सुबह हो चुकी है, ब्रिस्बेन की सुबह, और मैं आपको बताया था मेलबर्न से ब्रिस्बेन पहुंचूंगा। बहुत ही खूबसूरत शहर है, खुला आसमान, नीला आसमान। भारतीय टीम का स्वागत करते हुए, और टीम इंडिया भी जो है निकल चुकी है अभ्यास के लिए, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को टीम इंडिया के साथ जो सफ़र है उसका बताऊं आप लोगों को। और अब हम कैबा जो मैदान है ऑस्ट्रेलिया का, उसका रुख कर रहे हैं शहर के बीचों बीच से। और ये कार से मैंने ये तस्वीरें ली हैं, इस कार से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इस कार से तस्वीरें लेते हुए हम चल रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि हमें खबर मिल चुकी है इंडियन टीम भी अपने होटल से निकल चुकी है और इंडियन टीम पहुँच रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं खूबसूरत शहर, बहुत ही खूबसूरत शहर है। आप यहाँ पर ब्रिस्बेन की वादियों में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया में आप हैं। और एक क्रिकेट कल्चर है, खुला आसमान, आप जब सांसें लेते हैं बिना पॉल्यूशन वाली हवा, और वर्ल्ड कप का माहौल यहाँ बन चुका है। रेड लाइट में आप देखिए बिग टाइम ब्रिस्बेन, वर्ल्ड कप का ऐड लगा हुआ है यहाँ। रेड लाइट में मैं रुका हुआ था तो मैंने वो तस्वीरें भी ले ली आप लोगों के लिए। देखिए वर्ल्ड कप का पूरा माहौल बन गया है, अभ्यास मैच है 17 और 19 को, उसको लेकर भी यहाँ पर लोगों के, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनमें बहुत दिलचस्पी है। और यहाँ पर अब जो है आप देखिए ये स्टेडियम में मैं पहुँच चुका हूँ, गैबा में, गैबा में आप देख सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं टीम इंडिया की तस्वीरें हैं, हालांकि यहाँ पर मैं पहुँच नहीं पाया था, ये तस्वीरें मेरी नहीं हैं, मेरे एक साथी ने ली थी, उन्होंने मुझे दी। और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से टीम इंडिया का इंतज़ार कर रहे थे फैंस। यहाँ पर देख सकते हैं टीम इंडिया की एंट्री हो रही है, टीम इंडिया की बस है, तमाम खिलाड़ी जो हैं इस बस में हैं पहले अपने पहले प्रैक्टिस सेशन के लिए। दोपहर में उनका प्रैक्टिस सेशन था। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, टीम इंडिया गाबा पहुँच गई और उन्हें अभ्यास करना है। और आपको बता दूं मोहम्मद शमी आ चुके हैं यहाँ पर, मोहम्मद सिराज आ चुके हैं, शार्दुल ठाकुर आ चुके हैं, तो पूरा भारतीय दल आ चुका है। वर्ल्ड कप का जो माहौल है यहाँ जम चुका है। आप सोच लीजिए प्रैक्टिस सेशन के लिए भी टीम इंडिया आ रही है तो लोग पहुँच जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ थोड़ी देर पहले पहुँचे, लोग सुबह से, मतलब टीम इंडिया को दोपहर में आना है और लोग जो है सुबह से पहुँचे हुए हैं। आप सोच लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोग अपने खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं यहाँ पर, काफ़ी कड़ी सुरक्षा है। और आप ये देख सकते हैं भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं बस से उतरते हुए, पहले सिक्योरिटी के जितने स्टाफ हैं वो निकलते हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या आप देख रहे हैं सबसे पहले उतरने वाले में रहे, फिर विराट कोहली, एक के बाद एक सारे खिलाड़ी आप देख सकते हैं अभ्यास के लिए जा रहे हैं, सपोर्ट स्टाफ भी। और अगले 2-3 घंटे जो है पूरी प्रैक्टिस चलेगी। प्रैक्टिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन कौन आया गया, किसने क्या किया, क्या खास तैयारी देखने को मिली, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आप चैनल को देखते रहिए, लगातार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं। और ये मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि यहाँ पर मैं नहीं पहुँचा था, ये मेरे पास नहीं थी तो मेरे एक साथी ने ली और उन्होंने मुझे दिया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये तस्वीरें थी नहीं तो उन्होंने मेरी मदद की। तो ऑलवेज थैंकफुल फॉर सम फ्रेंड्स हु हेल्प मी आउट। और अब जो है सारे खिलाड़ी एक के बाद एक करके मैदान में जा चुके हैं, ठीक है, पूरी टीम अंदर जा चुकी है। और मैं आप लोगों को अंदर में क्या हुआ वो पूरे किस्से बताऊंगा। ब्रिस्बेन का आप नज़ारा देख ही चुके हैं, फैंस भी अब चले गए, फैंस ने भी कुछ कुछ तस्वीरें बनाई हैं, फैंस भी रिपोर्टर हो गए हैं दरअसल। हम मैं सिर्फ फैंस रिपोर्टर नहीं, फैंस भी रिपोर्टर हो गए हैं। तो ये है ब्रिस्बेन में पहला सत्र, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा।